हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, यहां पे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई इंजन रिबिल्ड होने के पहले कितना माइलेज देती है और रिबिल्ड होने के बाद कितना माइलेज देती है। अभी ये जो एक्टिवा है ये 12.6 इयर्स ओल्ड है और ये अभी तक चल चुकी है 70,637 और इसका इंजन लास्ट स्टेज में है। इसमें अभी प्रॉपर पिकअप नहीं है, उसके बाद ये इंजन ऑयल बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। अगर मैं इसमें एक्सीलेटर लूँ बहुत ज़्यादा तो इसमें से वाइट स्मोक भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह का इंजन जिसका कि काम करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, उसका माइलेज अभी क्या मिल रहा है और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जब ये इंजन बन जाएगी, कंप्लीट इंजन हम लोग रिबिल्ड करेंगे, नया वाला बोर्ड किट डालेंगे, क्रैंक का काम करेंगे, क्रैंक का भी आवाज़ आ गया इसमें, तो उसके बाद वो कैसा काम करेगी, उसका कितना माइलेज रहेगा। तो अभी इसमें थोड़ा बहुत पेट्रोल है तो मैं इसको चला लेता हूँ, उसके बाद इसका रीडिंग नोट करेंगे। और ये जो स्पीडोमीटर जो है बहुत अच्छा अभी भी ये काम कर रही है, ये चीज़ अच्छा है। यहाँ पे जो पेट्रोल वाला है ये भी काम कर रहा है फ्यूल गेज, और ये भी काम कर रहा है स्पीडो और माइल मीटर दोनों काम कर, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो इसको मैं चला लेता हूँ, उसके बाद इसमें एक लीटर पेट्रोल डालेंगे और माइलेज देखेंगे कि कितना निकल के आती है इसकी माइलेज। तो ठीक है, चलिए चलाते हैं पहले इसको। अभी मैंने जेपी सेतु क्रॉस किया है और ये गंगा नदी पे बहुत ही लंबी ब्रिज है और इस ब्रिज पे कोई भी ओल्ड व्हीकल चलाने में मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि कभी भी वो कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। लाइक इसका बेल्ट में मुझे डाउट लग रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है बेल्ट कवर से। यहाँ पे इनका जुगाड़ वाला है ये वाला, ये खराब हो गया है, ईंट का जूस बनाते हैं ना। हाँ। खराब क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया? जनरेटर खराब हो गया, स्टार्ट नहीं हो रहा है। नहीं। चलिए इनको देखते हैं, उसके बाद हम लोग अपना माइलेज का टेस्टिंग करेंगे। हो जाएगा, टेंशन नहीं है। अरे जुगाड़े वाला है, हो जाता है यार। ये लीक कहाँ से हो रहा है? ये देखिए, इनका पूरा डीजल गिरा है यहाँ पे रोड से। तो आपको ध्यान नहीं दिए? नहीं ध्यान दिया, अभी तो बंद हो गया। कहाँ से लीकेज है? हाँ, कहाँ से? पाइप लीकेज है ना। चला ठीक है, जा धीरे 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 धीरे। हाँ, ज्यादा दूर नहीं है मेन रोड, तो चले गए। और अभी पूरा यहाँ पे डार्क है तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, कोई भी फंसता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, ढाबा टाइप, तो यहाँ पे पनीर पकौड़ा बहुत अच्छा बनाता है। बट प्रॉब्लम ये हुआ है, पनीर तो है, बेसन ख़त्म हो गया। अब ये जो बच्चा है ये जा रहा है लाने के लिए बेसन, तब तक हम यहाँ पे थोड़ा बहुत केक खा ले रहे हैं। भाई कुछ ज़्यादा ही दे दिया इन लोगों ने, और टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी। यस्टरडे इसमें पेट्रोल बहुत ज़्यादा था और ये फिनिश नहीं हो पाया। अभी मॉर्निंग में मैं फिर से निकला हूँ और अभी आई थिंक कि अब कुछ किलोमीटर के बाद ये फिनिश हो जाएगा, और जब जीरो पेट्रोल हो जाएगा इसमें उसके बाद हम लोग एक लीटर पेट्रोल इसमें डालेंगे। यहाँ पे आकर के पेट्रोल कम्प्लीटली ज़ीरो हो गया है। यहाँ पे अभी रीडिंग देख सकते हैं 70,787.5 जीरो,
अब ये स्टार्ट नहीं हो पा रही है, पूरा जीरो। तो अब इसमें एक लीटर डालते हैं। पूरा एक लीटर है ये। ये नया ब्रिज बना है सोनपुर वाला, देखिए अभी नजर पड़ा है वहां पे एक नीलगाय है और बहुत गुस्से से देख रही है कि डर के देख रही है, पता नहीं चल रहा है। ये देखिए जा रही है वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे, देखिए गई 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 अंदर चली गई। हमको लगता है वहाँ पे एक टाइम में नहर होगा। ये देखिए वहाँ पे हल्का सा, ये देखिए हम ही को देख रही है वहाँ पे, देखिए वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे नीलगाय। आपको देख रहा है या नहीं पता नहीं, तो भाग गई भाग गई भाग गई। ये देखिए देखिए तो अब क्या है कि ये सब जमीन जो कि एक टाइम में खेती था जंगल था, अब सब पे बिल्डिंग बन रहा है। वो देखिए भाग गई वहां से, ये देखिए। और आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ये खेत है हरियाली है, नहीं ये अब खेती इसमें नहीं हो सकता है प्रॉपरली, क्योंकि सब में कैपी बीम लग गया है, ट्रैक्टर नहीं चल सकता है। और सब में कुछ दिन के बाद घर बनेगा, अपार्टमेंट बनेगा, सारा जो खेती का ज़मीन था एक एक करके बिकते जा रहा है। ये कुछ अलग ही स्टाइल हो गया यहाँ पे, स्क्वायर दो भाई का होगा। तो ये देखिए ऐसे, मतलब मुझे लगता है कि एक टाइम में खेती के लिए ज़मीन सबसे नहीं बचेगा, सब में एक एक करके घर बनते जा रहा है। और ये सब 10 साल पहले ऐसा था कि यहाँ पे आने में डर लगता था, पूरा जंगल खेत इस टाइप का सुनसान। ये देखिए यहाँ पे रोड और इधर प्लॉटिंग, तो यही है धीरे धीरे जितना एग्रीकल्चर लैंड है सबको बिल्डिंग बना करके स्पॉइल किया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि रिक्वायरमेंट है, एक आदमी का तीन तीन चार चार जगह घर है और रहना वाला कोई है ही नहीं, ऐसा हाल है। तो यहाँ पे आ करके इसका पेट्रोल जीरो हो गया, अब स्टार्ट नहीं हो रही है, ये पूरा जीरो है फिनिश। तो इसका माइलेज कैलकुलेट करते हैं। तो इनिशियल रीडिंग ये था और फाइनल रीडिंग यहाँ पे आकर के एक लीटर ख़त्म हुआ। तो जो माइलेज निकल के आया है वो है 42.2 किलोमीटर पर लीटर। तो इतना माइलेज दे रहा है इंजन रिबिल्ड के पहले, अभी इंजन का हालत बहुत ख़राब है जैसा मैंने आपको बताया था। और सेकंड पार्ट में हम लोग इंजन को रिबिल्ड करेंगे पहले, और उसके बाद 1000 किलोमीटर चलाने के बाद इंजन को रवा मतलब होता है रन इन पीरियड होता है, इंजन कम्प्लीटली फ्री हो जाता है। 1000 किलोमीटर चलाने के बाद हम लोग इंजन का फिर से माइलेज टेस्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये जो माइलेज है कितना ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि अभी जो इंजन है बहुत ही गंदे कंडीशन में है और बनने के बाद कम्प्लीटली एज गुड एज न्यू हो जाएगा। तो देखेंगे उस समय क्या हालत रहेगा इंजन का।
तो दोस्तों अगर इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं सेकंड पार्ट, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सके। और ये जो मैं रिबिल्ड करूँगा तो इसमें जो जेन्युइन आता है, रिबोर्ड नहीं डालूँगा, जेन्युइन जो होंडा का आता है बोर पिस्टन किट वो डालूंगा और जितना भी कंपोनेंट उसमें है, रॉकर वाल्व सारा कुछ जेन्युइन वो डालेंगे, एकदम शोरूम कंडीशन में इसको फिर से लाएंगे। और ये जो स्कूटर है इसका एक और वीडियो मैं बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा कंप्लीट, जो बॉडी वॉडी सब कुछ डल हो गया है, पैनल सब पूरा टूट गया है, वो भी हम लोग उसको सही करेंगे। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।